मंगे चंद खजिया जन्नत दी मलका, नहीं आंदा ओ वीर यकीन, ए है बहुतान सबाइया दा जेड़े हिन बेदीन लईने। उम्मुल मुमिनीन दी अजमत पिया दसदा पाक कुरान, कुल मुमिनीन दी माशा पिया दसदा पाक रहमान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। खतीब नू चाहिदा है कि वाइज होवे। वाइज दा मतलब है वाज करने वाला, नसीहत करने वाला और असबाक याद करवाने वाला। आप भी अमल करे, अपने दोस्तों भी अमल की तरकीब दिलावे। सुनिया गल सुन तेरे मेरी, मेरे तेरे प्यारे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद, आवाज आप फिर कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह करीम ने मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया बीवियां दे बारे अंदर सूरह अहज़ाब जनाब 22वां पारा शुरू होता पै, दूसरी आयत है तकरीबन 22वें सवारे दी पहली पहल दूसरियां, यानी पहली आयत तो बाद दूसरी आयत। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने फरमाया जी यानी सा नबी लस्तुन का अहद मिनन निसा, नबी दियो बीवियो नबी की अजवाज मुताहरात, नबी दियो बीवियो तुसी आम औरतां जैसियां नहीं हो, बल्कि तुसी ते नबी दियां घरवालियां हो। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा इजाज अल्लाह करीम ने अता फरमाया। अल्लाह करीम ने नबी सोने नु मुखातब करके फरमाया, सोने जी नबी दियां बीवियां होण ते आम औरतां जैसियां नहीं हो सकदियां। जिस तरह नबी दा शान आला, नबी दे घर आने वाली नबी दी बीवी दी अजमत भी बड़ी बुलंद है। अल्लाह ने फरमाया किसे आम औरतां जैसियां नहीं हो, लस्तुन का अहद मिनन निसा, वा मिनन निसा यानी औरतां विचों किसे आम औरतां जैसियां नहीं हो, बल्कि तुसी ते नबी दियां घर वालियां हो। अगे अल्लाह करीम ने फरमाया नबी दियां बीवियां दा शान ते इम्तियाज वखरा ही है। अल्लाह करीम ने इसे रुकू अंदर यानी 21वां पारा खत्म होंदा पिया है, 3 आयात 21वें पारे दे अंदर, 4 आयतां 22वें सुबारे दियां शुरू दियां आयतां, अल्लाह ने नबी दियां बीवियां दे बारे अंदर यानी अहले बैत नबी दियां बीवियां नूं आख्या गया है, उन्हां दे बारे अंदर 7 आयात अंदर एक बहुत बड़ी दस्तावेज मुरत्तब फरमाई है। अल्लाह करीम ने फरमाया है और रुकू शुरू होंदा पिया है, अल्लाह कह रहा है या अय्युहन नबी कुल ली अज़्वाजिक। अल्लाह ने फरमाया ऐ प्यारे महबूब पैगंबर हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल अज़्वाजिका इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयात दुनिया वज़ीनतहा फतअलैना उमत्तिकुन्ना व उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला।
फरमाया नबी दियो मेरे प्यारे महबूब अपनिया बीवियां नू आख दियो अगर तुहानू दुनिया दा माल चाहिदा है फिर अच्छे तरीके नाल मेरे कोलो जुतियां दे कपड़ियां दे जोड़े ले लो जुदा हो जाओ। अगर तुहानू अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी मोहब्बत चाहीदी है अल्लाह अपनी आखरत चाहीदी है फिर जनाब इत्थे मेरे नबी पढ़दिया पढ़दिया पहुंचे जदों प्यारे नबी दियां बीवियां साड़ियां अम्मियां ने साड़ियां मावां ने मुतालबा किया दुनिया का मुख्तसर गल है मेरे नबी पढ़दिया पढ़दिया जदों इत्थे ही पहुंचे ने ना इधरों सय्यदा आयशा दे कोल कुरान की तिलावत कर रहे ने कुरान मजीद का नजूल दस रहे ने हजरत आयशा इत्थे विचे ही बोल पईआं अर्ज करदियां ने या रसूल अल्लाह असी इंज कदों आखिया सी सानू ते दो चार दस दिनां तक राशन दी लोड़ सी सोने असल दुनिया नहीं चाहीदी दुनिया दी मोहब्बत नहीं है अल्लाह रसूल दी मोहब्बत है। अल्लाह ने फरमाया फा इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाती मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा। अल्लाह करीम ने एहो जिहियां औरतां वास्ते अजरे अजीम तैयार कर रखे है ये जड़ियां औरतां जिन्ना जैसी कोई दुनिया दी अंदर औरत नहीं है कुरान ने गवाहियां दित्तियां ने कुरान कहता है औरतां सारे जग दियां औरतां नेक पारसा होणगियां नमाजी होणगियां ज़कातां अदा करने वालियां होणगियां तहज्जुदां अदा करने वालियां होणगियां मगर मेरे पाक मुहम्मद दियां बीवियां जैसी कोई कायनात अंदर औरतां मौजूद ही नहीं कोई कायनात अंदर एहो जिहियां औरतां मौजूद नहीं ने इन्हां सारियां अजीम ते बड़ियां उच्चे मुकाम वालियां औरतां चो अज तज़करा मकसूद सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा दा। कौन आयशा? आयशा नबी दी घरवाली आयशा। कौन आयशा? सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा। कहंदे चले जाओ ईमान ताज़ा हो जाणगे सय्यदा आयशा। कौन आयशा? ज़ौजाए वाली बतहा आयशा। कौन आयशा? उम्मुल मोमिनीन आयशा। कौन आयशा जिहदे बिस्तर तरते रब दी वही उतर दी रही। कौन ऐशा जेदे नावे रब दा सलाम आया। कौन ऐशा जेदी पाकीज़गी अंदर रब दा कुरान आया। ऐशा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा। यह हदीस बुखारी दी उहदा मफहूम अर्ज करा हदीस अगर सेम टू सेम बयान करा मैं दो तो तीन हदीसा बयान नहीं कर सकता और जनाब बाकी सीरत दे जनाब दूसरे जो लवाजमात ने वह भी बयान करने होंदे ने। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने ऐश मेरी आयश सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह दे प्यारे नबी फरमा देने आयशा जिब्रील अलैहिस्सलाम अक्सर रेशमी गुलाफ अंदर जन्नत दे हरीर रेशम नू आख देने हरीर दे पर्दे अंदर गुलाफ अंदर कपड़े अंदर एक शक्लो सूरत लपेट करके ले आया कर दे सन। एक दूसरी हदीस अंदर आंदा है प्यारे नबी ने फरमाया शाह दो मरतबा मैनू ख्वाब च नबी दा ख्वाब भी वही हुंदा है बोलो नबी दे ख्वाब वही होया करदे ने। हजूर फरमा देने ऐशा ख्वाब अंदर दो वेरी मैनू विखाया गया मर्रा तैन दिल मौजूद ने। हदीस अंदर आयश मेरी आयश ए मेरी आयशा ख्वाब दे अंदर दो मरतबा मैनू विखाया गया जिब्रील हरीर दे पर्दे दे अंदर एक शक्लो सूरत ले आ करके मेरे सामने में गुलाफ नू खोलिया ते नाले कहंदे सोनिया ए तुहाडी बीवी है
ये तो आड़ी बीवी बनने वाली है ही अल्लाह का या मुहम्मद एदा तर्जमा बनेगा सोनिया ये तो हाड़े वास्ते जिमे दीगर तो आड़ियां बीवियां ओवे ते सोनिया सारिया ही बीवियां तो आड़े वास्ते बनाया गईया मगर आयशा दी तखलीक तो आड़े वास्ते आयशा दा गिलगारा तो आड़े वास्ते आयशा नू पैदा ही तो आड़े वास्ते कीता गया मेरे पाक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने जदो जिब्रील पर्दा खोल दे सन जदो मैनू ओ शक्लो सूरत विखाई गई ऐशा ओ तेरी ही शक्लो सूरत सी मेरे नबी सल्लल्लाहु सल्लम फरमा देने मैं उस वेले आखदा सा अल्लाह दी तरफों अगर ये अल्लाह दी तरफों है यानी वही है ना अगर ये अल्लाह दी तरफों है ते अल्लाह इस बात नू जरूर पूरियां फरमाएगा अल्लाह की तरफ होते अल्लाह जरूर पूरिया करेगा हाँ जी बस वो भी वक्त आया अल्लाह करीम ने मेरे पाक मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बीवी बना छड़िया मेरे उस्तादा ने उस्तादा का ना है दुनिया के अंदर मेरे उस्तादा का खतीब एशिया व यूरोप अल्लाह मेरे उस्तादा नू सेहत वाली जिंदगी अता अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह भावें गल्लां गल्लां च उस्ताद जी गल करन ना गल्लां गल्लां च हुण उह ताकतां ते उह तरस ते उह अंदाज ते उह ताकतां ते जिंदगी दे नाल नाल सारिआं दीआं टल जाणीआं ने सोणिआ लेकिन उहनां नूं अल्लाह ने ऐसी रिफत अता फरमाई है ऐसी तासीर गुफ्तगू अंदर पैदा हुंदी है कि बड़े 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 खतीब तकरीरां कर जाण बड़ियां जोरदार तकरीरां ते सोहणे कुरान पढ़न वाले लेकिन उस्ताद जी नू अल्लाह ने वखरा ही शान अता फरमाया एंज स्टेज ते आके एक आयत कुरान पाक दी अजे भी 85-90 साल दी उम्र च अजे तक भी आयत पढ़ जान ते बस सारियां तकरीरां उस एक आयत दे थले आ जांदे अल्लाह उस्ताद जी तर्जमा करदे ने फरमांदे ने जी उच्ची अजमत है अम्मी ऐशा दी उच्ची अजमत है अम्मी ऐशा दी जेड़ी हर मोमिन दी मां दिसे सिद्दीका मुतारा मुनवरा दिसे सिद्दीका मुतारा मुनवरा दिसे हबीबे हबीबे खुदा दिसे उच्ची अजमत है उच्ची अजमत है अम्मी 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 ऐशादी जनाब ही अलका या मुहम्मद पैगाम आया अम्मी ऐशा ते रब दा सलाम आया हदीस मैं सुनांदा जे अल्लाह का या मुहम्मद पैगाम आया अम्मी ऐशा ते रब दा सलाम आया तत्हीर दी चादर दी जगमग तत्हीर दी चादर दी जगमग पूरी दुनिया ते रोशन जया दिसे उच्ची अजमत है अम्मी ऐशा दी सूरत नूर दी जदों भी जदों भी तिलावत होवे अम्मी ऐशा दी रोशन सदाकत होवे सूरत नूर दी जदों भी हुण जदों कदों तेनी अज ही होएगी हुणे ही तिलावत होएगी इंशाला सूरत नूर दी जदों भी तिलावत होवे अम्मी ऐशा दी रोशन सदाकत होवे खारी जग विच अम्मी ऐशा दा ओ हाफिज जग विच खारी जग विच हाफिज जग विच खारी जग विच खारी तो मुराद कौन ने उस्ताद जी ठीक है ना खारी जग विच अम्मी ऐशा दा हर हाल विच मदा सरा दिसे उच्ची अजमत है अम्मी ऐशा दी बुखारी शरीफ दी हदीस है 6201 नंबर हदीस मेरे तेरे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप फरमा दे रहे या सुभान अल्लाह आयशा नहीं मुजक्कर दा सीगा बोल के ए प्यार ते मोहब्बत दी अलामत मुजक्कर दा सीगा असी बेटी नू किसे वेले कह नहीं देंदे लाड नाल बेटा बेटा इधर आओ बेटा काम करो क्यों जी
सुभान अल्लाह। ऐसे तरीके नाल मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप फरमाते हैं या आयशा, ये जिब्रील है, जिब्रील आए ना वही लेके, ये जिब्रील मेरे पास मौजूद है, तुझे सलाम कहते हैं। सुभान अल्लाह, तुझे सलाम कहते हैं। अम्मी ऐशा सुन करके फरमा दिया ने, वालेही सलाम व रहमतुल्लाह, ओना ते भी यानी जिब्रील ते भी मेरी तरफो सलाम ते अल्लाह दिया रहमता। बुखारी शरीफ की दूसरी इस रवायत अंदर नहीं जरा नंबर दस है, दूसरी हदीस अंदर आता है कि अगले जुमले भी बोले हजरत ऐशा ने, अलैहि सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नाल ए हदीस जो बयान फरमाई है हजरत ऐशा फरमा दिया ने, हजरत ऐशा ने ते फरमाया, कुल तू वहुआ यरा माला नरा, अल्लाह दे नबी ओ कुछ वेख दे सन, असी लोग नहीं वेख सकते, यानी फरिश्ते नू सानू नजर नहीं आ रहे सन जिबरील। इस हदीस तो यह इस्तंबात किया अम्मी आयशा सिद्दीका ने, मुफ्ती आए कायनात सुभान अल्लाह हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा कहदियां ने, अल्लाह दे प्यारे नबी ने जो फरमाया मेरे को जिबरील मौजूद ने, बस सोने ने जो फरमाया वो कोई सच फरमाया। ऐशा नु पता सी नबी पाक दी जबान चो कदी झूठ निकलदा ही नहीं, ए होठ हिलदा ही नहीं जद तक आसमान तो वही ना आ जाए। अलगरज हजरत ऐशा नु बात समझ आ गई, सय्यदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहदियां ने, अल्लाह दे प्यारे नबी अल्लाह के नबी जो कुछ देखते थे माला नरा, हम वो चीज नहीं देख सकते। बात है ना कितना प्यारा जी मेरे प्यारे वीर, हुन बुखारी शरीफ दी 3770 नंबर हदीस नोट फरमाओ, मैं जा मफहूम बयान करना ना कदे नंबर मैं दस देना, सुन दे तकरीर दे अंदर खिताब सुन दिया होया, अपने जनाब मोबाइल ते रिकॉर्डिंग सुन दिया होया, तुसी नंबर काट के हदीस जनाब जाके वेखो, ओदे तुहानू होर भी बहुत सारिया चीजा मिलण गियां, मैं ते खुलासा जिहा बयान कर देना ना। इधर वेखना जरा, मैं अर्ज कर रहा मेरे प्यारे नबी जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका फरमा देने, फजलु आयशा अलन निसा का फजली तरीद अला साइर ताम, फरमाया आयशा दी फजीलत सारिया खाणिया ते जिवें शरीद खाने दी फजीलत है, इवें सारिया औरतां ते आयशा दी फजीलत है। हदीस बुखारी दी, क्यों जी नंबर मैं दस चुकिया। इस वास्ते मेरे प्यारे वीर एक होर हदीस आ गई, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस 3775 नंबर से आ रही है, पहली 70 नंबर से आई, जनाब मेरे तेरे प्यारे महबूब पैगंबर हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस बयान कर दिया होया। सहाबी कहते ने लोग, रावी कहते ने लोग तहाइफ तोहफे 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 भी हजरत ऐशा दीवारी अंदर मेरे नबी नू गलाया करते सन। सोने नबी दी बीवी हजरत ऐशा दीवारी दा इंतजार फरमाया करते सन। सहाबा इतना ख्याल करते सन कि सारिया बीवियां चो इंसाफ मेरे नबी करते ने, लेकिन दिल का मिलान दिल की कैफियत ये जिहड़ी अल्लाह ने हजरत ऐशा सिद्दीका नाल पैदा फरमाई है, ये किसी होर नाल नहीं, उदा सानी कोई नहीं। क्यों? जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह हो, सारे कह दो रजी अल्लाह हो ताला मेरे नबी सोने फरमाते ने कि सारे लोगों का, जितने भी लोगों ने मेरे ते एहसानात किए मैं सारे का बदला चुका चुके।
ਅਬੂ ਬਕਰ ਓਏ ਜਿਹਦੇ ਇਹਸਾਨਾਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਚੁਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਵਾਹ ਸਿੱਦੀਕ ਐਸਾ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ, ਪੂਰੀ ਉਮਤ ਅੰਦਰ ਕੱਲਾ ਸਿੱਦੀਕ ਏ। ਆਹਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਹਾਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਐਸ਼ਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਕੀਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੋਹਫੇ ਤਾਏ ਭੇਜਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਐਸ਼ਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੜਾ ਥੜ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸੌਜਾਈ ਮੋਹਤਰਮਾ, ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ 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 ਆਇਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਵਾਇਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਸੱਲਮ ਦੀ ਬੀਵੀ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸੌਕਣਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਐਸ਼ਾ ਫਰਮਾ ਦੀਏ ਮੇਰੀਆਂ ਸੌਕਣਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਜਨਾਬ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਐਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸੌਕਣਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਐਸ਼ਾ ਫਰਮਾ ਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸੌਕਣਾ ਜਨਾਬ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਮੇ ਸਲਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈਆਂ। ਇਲਾ ਉਮੇ ਸਲਮਾ ਤਾਂ ਇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਲਫਜ਼ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਰਫ ਨੂੰ ਜ਼ੇਰ ਦਿੰਦਾ, ਜ਼ੇਰ ਹਰਫੇ ਜਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਜਨਾਬ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਸੌਕਣਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਮੇ ਸਲਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਮੇ ਸਲਮਾ ਤੂੰ ਐਸੀ ਔਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਐਸ਼ਾ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੋੜ ਦੀ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਉਮੇ ਸਲਮਾ ਐਸੀ ਖਤੂਨ ਏ ਨਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਕੋਲੇ ਜਾਓ। ਉਮੇ ਸਲਮਾ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਕੋਲੇ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਆਖੋ ਸੋਹਣਿਆ, ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆਖ ਦਿਓ, ਸਿਰਫ ਐਸ਼ਾ ਦੀ ਬਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰਨ, ਤੋਹਫੇ ਖਲਾਣੇ ਹੋਣ, ਤਾਇਫ ਭੇਜਣੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਬੀਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵਾਂ, ਜਿਸ ਬੀਵੀ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਬੀਵੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਤੋਹਫੇ ਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਬੀਵੀ ਸੈਯਦਾ ਉਮੁ ਸਲਮਾ ਜਨਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ, ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮੁ ਸਲਮਾ ਇੰਜ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾ ਰਸੂਲਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਾਨ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਤੋਹਫੇ ਤਾਇਫ ਸਿਰਫ ਐਸ਼ਾ ਦੀ ਵਾਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ ਘਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਫ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਨੀ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ। ਤੀਸਰੀ ਮਰਤਬਾ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮ ਸਲਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮੁ ਸਲਮਾ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਫਰਮਾਇਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਮ ਸਲਮਾ ਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇੱਥੇ ਉਮਾ ਕਿਧਰੇ ਉਮੀ ਕਿਧਰੇ ਉਮੂ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਇਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਯਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੀਮ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਆ ਗਈ, ਯਾ ਉਮ ਸਲਮਾ ਤਾ, ਐ ਉਮ ਸਲਮਾ, ਹਾਂਜੀ, ਲਾ ਤੁਜ਼ੀਲੀ ਫੀ ਆਇਸ਼ਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਐ ਉਮ ਸਲਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਾਓ ਨਾ, ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦਿਓ, ਲਾ ਤੁਜ਼ੀਲੀ ਫੀ ਆਇਸ਼ਾ, ਐਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦਿਓ, ਐਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾਓ ਨਾ। ਐਜੇ ਤਰਜਮਾ,
मेरे नबी सल्लल्लाह सल्लम नू कितना प्यार है सैयदा आयशा दे नाल। सही मुस्लिम शरीफ दी हदीस 6290 अंदर हाँ जी अल्लाह दे प्यारे नबी लंबी हदीस है एदा भी खुलासा सुन लो जनाब जे ओ हदीस है जिदे अंदर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां सारियां बीवियां ने हजरत आयशा तो अलावा सारियां बीवियां ने इकट्ठियां होके सैयदा फातिमा नू बुलाया। सैयदा फातिमा नू अर्ज करका सारियां बीवियां कहदियां ने बेटी अल्लाह दे नबी कोले जाओ। उन्होंने अल्लाह दे प्यारे रसूल कोले खला दिता अल्लाह दे नबी कोले जाओ। नबी नू आखो सोने मेरिया दूसरिया मियां आख रही ने अबू कुहाफा दी बेटी दे बारे अंदर इंसाफ जांदियां ने। अबू कुहाफा दी बेटी दे बारे अंदर अबू कुहाफा दी बेटी कौन सी दादे दा नाम सी ना हजरत आयशा दे यानी आयशा दे बारे अंदर इंसाफ चाहदियां ने। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा गईयां ते जाके कहदियां ने बाबा मेरिया दूसरिया अम्मियां अर्ज कर रही ने दरखास्त मेरे हाथ गलाई है कहदियां ने आयशा दे बारे अंदर इंसाफ सानू चाहिदा है। मेरे नबी नालो इंसाफ ज्यादा गौर रूए जमीन ते कर कौन सकता है। जे मेरे नबी इंसाफ नहीं करते ते इंसाफ करदा कौन होएगा कौन इंसाफ करता होएगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मुआमला अख्तियारी नहीं सी जेड़े अख्तियारी मुआमलात ने जिन्हां दे अंदर यानी रोटियां है जी आटा दाना कपड़ा लीड़ा जुतियां जड़ियां बराबर दियां मेरे नबी इंसाफ करते सन। एक दूसरी हदीस अंदर आंदा है अल्लाह दे नबी फरमाते सन अल्लाह सोने ला तलुमनी फी माला अमलिकु अल्लाह मैनू उस चीज दे बारे अंदर मलामत ना प्या करी जड़ा मेरे अख्तियार अंदर नहीं है। ये दिल जदों भी मुड़दा है ऐसा वल मुड़दा है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अल्लाह मैंने मला ये अख्तियारी मुआमला नहीं ये दिल दे मुआमला अख्तियारी नहीं होया कर दे अख्तियारी मुआमला तंदर इंसाफ हुंदा है बात बराबर दी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां बीवियां जो हजरत ज़ैनब बिनत जाश ओ बड़ी धड़ल्ले दी खातून सी धड़ल्ले वाली औरत मर्दां जैसी खातून अल्लाह अल्लाह उन्होंने आख्या मिल करके जाओ बेटी फातिमा प्यारे नबी कोले जाके दरखास्त करो हजरत फातिमा गईया जाके अपनी मामा दी गल प्यारे नबी दे अगे रख छड़ी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी देर खामोश रहे सय्यदा सय्यदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला ना भी खामोश खड़िया रही अदब दा तकाज़ा है ना गल करके खड़िया रही इंतजार अल्लाह दे नबी फरमा देने ऐ बुलैया तू अलस्ती तुहिब्बीना मा उहिब्बू बेटी बुनैया तो ऐ मेरी पुत्री प्यार ना लाड़ नाल कह दिंदा ना मैं ये बुनैया दा मैं ना बनदा ऐ मेरी बेटी पुत्री फातिमा अलस्ति तुहिब्बी वमा उहिब्बू क्या तू ओदे नाल मोहब्बत नहीं करेंगी जेदे नाल मैं मोहब्बत करना। बेटी कहदियां ने कालत बला जी बाबा मैं क्यों नहीं मोहब्बत करांगी अल्लाह दे नबी ने फरमाया काला फअहिब्बी हाज़िही अल्लाह दे नबी हजरत आयशा वल इशारा करके फरमाया बस बेटी दे नाल मोहब्बत कर जाके जो गल हुई जो सवाल किया जो जवाब मिलया हजरत फातिमा ने अपनी मावां नूं जाके ना उही गल दसती। हजरत ज़ैनब बिनत जाश बोलियां कहंदियां ने फातिमा बेटी तू ते साढ़े काम ना आई साढ़े काम ना आ सकी कहंदी मैं जानी हाँ मैं आप जानी हाँ
ਜ਼ੈਨਬ ਬੜੀ ਡਾਢੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਧੜੱਲੇ ਦੀ ਖਾਤੂਨ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ। ਹਜ਼ਰਤ ਐਸ਼ਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਕਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਸੌਕਣ ਸੌਕਣ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਐਸ਼ਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ੈਨਬ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਔਰਤ ਦੀਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ੈਨਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਲਾ ਕੋ ਡਰਨ, ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ, ਨਾਤੇ ਜੋੜਨੇ ਵਾਲੀ, ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ, ਸਦਕਾ ਖੈਰਾਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਸਾਓ ਕਾ ਤੇਂਜ ਸਦਕਾ ਕਰਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਤ ਅੰਦਰ ਪਾ ਲੈਂਦੀ, ਇਤਨਾ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਆ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਬਚਦੀ। ਅੱਲਾ, ਇਤਨਾ ਸਦਕਾ ਅਤੇ ਖੈਰਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਸੀਲੀ ਸੀ, ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਨਰਮ ਸੀ ਨਾ, ਨੇਕ ਸੀ, ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫੌਰਨ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ, ਸੌਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਹੈ ਜੀ, ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਗੁਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਵਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਐਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸੌਕਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਭਦੀ ਸੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਐਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹਜ਼ਰਤ ਐਸ਼ਾ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸੀ ਇਮਾਨ। ਹੈਂ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਜਨਾਬ ਜ਼ੈਨਬ ਆ ਗਈਆਂ। ਜ਼ੈਨਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸੋਹਣਿਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਵੀ ਅਬੂ ਕੁਹਾਫਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਏ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਨਬ ਨੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਐਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਤਨਾ ਬੋਲੀਆਂ, ਇਤਨਾ ਗਰਮ ਹੋਈਆਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਐਸ਼ਾ ਸੁਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸੁਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਐਸ਼ਾ ਤੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਆਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਐਸ਼ਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਣ ਗਈ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਣਗੇ। ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਐਸ਼ਾ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਖੂਬ ਬਰਸੀਆਂ, ਫਿਰ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਜਵਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲਾ ਸੱਲਮ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਮੁਸਕਰਾਏ ਅਤੇ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਖਰ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਏ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਜੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ, ਹਜ਼ਰਤ ਐਸ਼ਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਮਿਸਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਕਜ਼ਾਏ ਹਾਜਤ ਵਾਸਤੇ, ਮਗਰਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਧੇਰੇ ਵੇਲੇ ਔਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਹਾਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਮਿਸਤਾ ਦੀ ਚਾਦਰ ਅੜੀ, ਗਿਰ ਗਈਆਂ ਤੇ ਗਿਰੀਆਂ ਤੇ ਠੁੱਡਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੇ ਮਿਸਤਾ, ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਹਜ਼ਰਤ ਐਸ਼ਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਮੇ ਮਿਸਤਾ, ਇਹ ਮਿਸਤਾ ਦੀ ਅੰਮੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਮਿਸਤਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਐਸ਼ਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੂਫਾਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਬਪਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੜ ਲੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮਿਸਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਹਜ਼ਰਤ ਐਸ਼ਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਗਈ, ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਅੰਮੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣੇ ਦੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਈਏ, ਜਾ ਕੇ ਅੱਬੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਬੂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟੀ, ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਐਸ਼ਾ ਰੋ ਰੋ ਕਰਕੇ ਮੰਜੇ
गंजी बन गई। प्यारे नबी कदी हजरत अली नाल मशवरा, कदी हजरत अबू बकर सिद्दीक नाल मशवरा करते ने। प्यारे नबी हजरत हजरत उमर भी मशवरे के अंदर शामिल। हजरत उमर ने मशवरा दिता है, सोने जेड़ा अल्लाह तुहाडे पैरां दे अंदर गंदी जुत्ती बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो अल्लाह तुहाडा बिस्तर ना पाक किवें बर्दाश्त कर सकता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए आए अपने सुसर दे घर हजरत अबू बकर सिद्दीक दे घर गए, जाके दरवाजा खटखटाया कि जी मन दक्कल बाप कौन दरवाजा खटखटा रहे है। अगो जवाब है आना मुहम्मद। मेरे नबी दी सास मोहतरमा ने दरवाजा खोलिया, अल्लाह दे नबी सलाम तो बाद कहंदे ने अम्मी अम्मी, अपनी सास मोहतरमा नू कहंदे ने अम्मी मेरी ऐशा किथे, फरमान लगियां बेटा ओ ते मंजी नाल मंजी बन गई है, हड्डियां दी मुठ बनी हुई है, ते जनाब रोण तो अलावा उहदा काम ही कोई नहीं। मेरे नबी आए आए हजरत ऐशा दी चार पाई ते बह गए। मेरे नबी फरमाते ने ऐशा ऐसा किसे गल का जवाब दे, हजरत ऐशा फरमा दिया ने मैं जवाब की देवा, अबे नू गवाद ने अबू कुछ जवाब दो, अम्मी हजूर कुछ पुछते ने जवाब दो। अल्लाह दे प्यारे नबी नबी दी सौजा है मोहतरमा, जनाब हजरत ऐशा ने जवाब दे बारे अंदर आखे है, अबू ती अम्मी आखते ने बेटा इतने साढ़े जवाब दे नाल गल नहीं बनती, ये मामला तेरा ते तेरे मुहम्मद आए इतने वहिया नाल गल मुकदी है, भाई आएगी ते गल बनेगी। हजरत ऐशा फरमा दिया ने प्यारे नबी फरमा देने ऐशा इन अलमंति बिज़म्बिन फस्तग़फिरी मिनल्लाह तआला, ऐशा जे कोई गुनाह हो गया है अपने रब को माफी मांग। हजरत ऐशा फरमा दिया ने बस मैं ते जनाब मुठियां बंद कीतियां, कहंदियां ने अल तया रसूल अल्लाह, सोनिया तुसी एहो जी गल कर दो हालांकि ना तके वही हो। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजे तक बात ही कर रहे ने, इधरों सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला ना कहंदियां ने मेरी गल ते यूसुफ दे अब्बे वाली है, सदमा इतना ज्यादा इहदे अंदर हजरत याकूब अलैहि सलाम दामी कहंदियां ने नाम ही मैनू याद ना रहा, नाम ही जबान ते नहीं आंदा पिया, कहंदियां ने इन्नमा अशको बसी व उजनी इल्लल्लाह, अल्लाह दे हजूर अपनिया अर्जा पेश कीतियां। इधरों मेरे नबी ने चादर दुरुस्त करना शुरू की, हजरत ऐशा दी अम्मी दौड़ करके आईया, मुंह ते हाथ रख दिया ने, कहंदियां ने बेटी चुप हो जा, तेरा रब तेरे मुहम्मद नाल कोई गल कर रहा है, यकीनन तेरी ही गल हो रही है, तेरी गल होती पई है। अल्लाह दे नबी वही तो फारग होए, खंदा पेशानी नाल आप फरमांदे ने हाय अल्लाह की आयशा, ऐशा मुबारक होवे किसे ते बोतान लगे गवाही अल्लाह किसे होर कोलो दवावे। मुख्तसर बात करिए, ऐशा वारियां तेरियां मेरी हुमैरा, वारियां तेरियां ते वकीले सफाई अल्लाह आप बन जावे। वल्लौला इस्समितुमूहु कुलतुम मा यकूनु लना अन तकल्लम बिहाजा सुबहानक आजा बुहतानुन अज़ीम। सोनिया जदों एक गल सुनी सी इंज क्यों नहीं आख दिता, अल्लाह जिवें तेरी खुदाई ऐबां ते शरीकां दे तसव्वुर कोलों पाके इवें ऐशा दी औलियाई पाके। वकीले सफाई ने जरा की कमाला ही करतिया, इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनातिल गाफिलातिल मुमिनात लुइनू फिद दुनिया वल आखिरा वलहुम अज़ाबुन अज़ीम।
फरमाया ये जिमे जनाब हाँ जी सोनिया ये जेड़े लोग अल्जाम धरते ने नेक और पाक बुराई दे रादियां तो भी गाफिल रहने वालियां गाफिलात उन्हां लोगां दे वास्ते दुनिया च भी अजाब और आखरत अंदर भी अजाब है वाला खुम जिमे उन्होंने अल्जाम अजीम लाया है उन्हां वास्ते अजाब भी अजीम है। अल्लाह ने फरमाया वत्तैबात लित्तैबीन वत्तैबून लित्तैबात उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यकूलून लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह इन्हों वास्ते रिज़्क़े करीम है जेड़े अम्मी ऐशा दी पार्टी वाले लोग ने ना अम्मी ऐशा दियाँ पाकिजगियाँ बयान करने वाले सुनने वाले ईमान रखने वाले कि अम्मी ऐशा पाक पाक उन्हों वास्ते अल्लाह ने रिज़्क़े अजीम तैयार कर रखे है। क्या बात है अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजिया सही सनद नाल तबकात इब्ने साद दी रिवायत है हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हो ने अम्मी ऐशा दी खिदमत अंदर दो बोरियां दे अंदर दौलत माल जिदे च रियाल सन दिरमो दिनार सन कोई जनाब सोने चांदी दे सिक्के सन ये मालियत तकरीबन एक लख रुपए की मालियत का माल हजरत ऐशा की खिदमत अंदर कलाया। अम्मी ऐशा ने सारा माल ना एक खुले जे बर्तन च ट्रे दे विच सारा कढ के ना वंडना शुरू कर दिता सारा ही वंड दिता सारा तकसीम कर दिता ते शाम हुई अम्मी ऐशा रोजे नाल सन अम्मी जान रोजे नाल सन ते अम्मी अपनी नुकराणी नूं कहिंदियां ने मेरे वास्ते अफतारी लैके आओ ते नुकराणी कहिंदियां ने अम्मी अगर उहदे चों लखां दी मालियत दा माल उहदे चों पंज दिरम अगर बचा लैंदियां उहदा गोश्त लियाण के अफतारी तैयार करके हुण अफतारी कर लैंदियां किहड़ी चीज़ नाल अफतारी करनी। हज़रत ऐशा फरमांदियां ने हुण गल्लां ना कर ज़्यादा हाँ जी मैनू मलामत ना कर अगर पहले याद करवा देंदी ते शायद मैं ये कर लैंदी। अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास अम्मी जान जो मर्ज़ुल मौत अंदर ने ना हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास अम्मी नू मुखातब करके कहंदे ने अम्मी तुसी उम्मत विचों पहली खातून हो कि जिन्हों का बेगुनाह होना आसमाना तो नाजल होया पहली खातून हो तुसी। अल्लाह अकबर। फिर मैं क्यों ना आखा मूनस मुस्तफा नाजश मुजतबा तोहफा किबरिया आयशा आयशा मरहबा 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 चरागे हरीम रसूल खुदा पैकर बासफा हाँ जी और अरमगान वफा आयशा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा गैरत गुरा सद हजारा सलाम नजम नजमुल हुदा बदरे बदरुद्दो जा शमसे शम्सु जोहा नूरे नूरुल उला आयशा आयशा उम्मे खैरुल उमम जौजे खैरुल वरा इतरते सादिका सद हजारा सलाम गोल घुमावा अम्मी ऐशा ते जान रजी अल्लाह ताला ना। फिर मैं क्यों ना खां मौलाना अब्दुल मजीद सौदरवी की किताब सीरत ऐशा वाली ओदे आखिरी सफे ते तुहानूं अशार मिलन गए उन्हां चो दो तीन अशार मैं अर्ज करा तेरी पाकीज़गी पर नुतके फितरत ने शहादत दी तुझे अजमत आता की आफियत बख्शी फजीलत दी अगर तेरी सहर परवर अदा पर हरफ आ जाता खुदा का इंतखाबी फैसला मखदूस कहलाता खुदा लम जजल का बा
बार खा तुझ पर सलाम आया। मुबारक है वो लब, मुबारक है ये लब, जिन पर अदब से तेरा नाम आया। रसूलुल्लाह ने रखा गए सिद्दीक लकब तेरा, फकत फर्शी ही नहीं अर्शी भी करते गए अदब तेरा। तेरा हुजरा अमील खास गए जाते रिसालत का, यही टुकड़ा बसाते अर्ज पर, यही टुकड़ा गए बागे बागे जन्नत का। तेरा हुजरा गए जिसमें रहमत लिल आलमीन, रहते हैं तेरा हुजरा गए जिसको गुंबद खिजरा भी कहते गए। इसी से हशर के दिन सरवर कौनैन उठेंगे, मगर तिन्हा न उठेंगे माशे खैन उठेंगे। शफात की तेरे रहमत कदा से इब्तिदा होगी, इसी पर उम्मतों की मगफिरत की इंतहा होगी।